सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सो सिविल आर्किटेक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको स्केचअप में विंडो किस तरीके से क्रिएट करनी है। आप यहां पर इस मेंशन और इस विला में देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से ये विंडो क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह की स्लाइडिंग विंडो क्रिएट करना बहुत ही ईजी है स्केचअप में। आप स्केचअप में बहुत ईजी वे में इस तरीके की विंडो क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पार्ट में हमारी स्लाइडिंग विंडो आने वाली है, तो हम लोग यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है, फिर वहाँ पर इस वुड को पोर कर देना है और मेक अ ग्रुप कर देना है, फिर पोज टूल की हेल्प से इसे इस तरीके से पोज कर देना है। अब आपको ऑफसेट टूल देना है। ओके, एंड यहाँ पर बीच में से वुड को कट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर से ऑफसेट टूल देंगे, क्लिक करेंगे एंड 1 इंच का ऑफसेट दे देंगे, फिर जो बीच का पार्ट है उसे पुश टूल की हेल्प से कट कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर विंडो की एक फ्रेम बनी हुई दिखाई देगी। ओके, तो अब इस फ्रेम क्रिएट हो चुकी है। अब फिर से रेक्टेंगल टूल लेना है एंड आपको इस फ्रेम के अंदर एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। रेक्टेंगल आपको फ्रेम के इनसाइड क्रिएट करना है। ओके, सो इस तरीके का बिल्कुल एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। एंड रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आपको उस रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल बन चुका है, अब यहाँ पर आप उसे मेक अ ग्रुप कर सकते हो या फिर डायरेक्टली उसे पुश कर सकते हो। तो मैंने उस रेक्टेंगल को पुश कर दिया। अब फिर से आपको ऑफसेट लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से लाइन टूल की हेल्प से एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर मैंने लाइन खींच ली है। अब इस विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फिर से दूसरे पार्ट का जो मिड पॉइंट है वो ढूंढना है एंड वहाँ से लाइन खींचनी है। ओके, तो अब तीन पार्ट बन गए एंड इस साइड के पार्ट का भी मिडल वाला पॉइंट ढूंढना है एंड लाइन खींचनी है। तो विंडो को टोटल सेम चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे चार स्लाइडिंग डोर हो चुके हैं विंडो के। तो अब यहाँ से आपको इसे सिलेक्ट करना है, फिर ऑफसेट टूल लेना है एंड ऑफसेट टूल लेंगे, क्लिक करके आपको 1 इंच का फिर से ऑफसेट दे देना है। तो यहाँ पर ऑफसेट दे दिया है, फिर इस वाले बॉक्स में भी सेम करना है, इस रेक्टेंगल में भी ऑफसेट लेकर 1 इंच का ऑफसेट देना है, फिर तीसरे स्लाइडिंग डोर में भी सेम करना है एंड उसी तरीके से हमारा ये जो चौथा रेक्टेंगल है वहाँ पर भी 1 इंच का ऑफसेट देना है। तो सारा गेम ऑफसेट का ही है। ठीक है, ऑफसेट लग जाने के बाद बीच का जो वुड है उसे पुश टूल की हेल्प से कट कर देना है। तो अब पुश टूल लेंगे एंड एक को इस तरीके से कट करेंगे। अब दूसरे सारे जो भी बॉक्स है वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप कट हो जाएंगे। तो ये हमारे विंडो की फ्रेम एकदम क्रिएट हो चुकी है। अब बस ग्लास लगाना बाकी है, तो इसके लिए फिर से एक रेक्टेंगल लेंगे एंड फिर से अब इस फ्रेम के इनसाइड एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। अब इसे डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मेक अ ग्रुप करेंगे, क्योंकि मेक अ ग्रुप करना इस बार जरूरी है। अब ग्रुप कर जाने के बाद इसको एडिट ग्रुप करेंगे एंड यहाँ से हम ग्लास चूज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कई सारे आपको ग्लास मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसी ट्रांसपेरेंट ग्लास को अपने इस रेक्टेंगल में पोर करता हूँ। अब इसे पुश टूल की हेल्प से पुश कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी से मैंने यहाँ पर पुश टूल की हेल्प से पुश कर दिया है, तो हमारा ये जो ग्लास है पहला वो क्रिएट हो चुका है। अब आपको ग्रुप से बाहर क्लिक कर देनी है। अब हमने ग्लास को ग्रुप में क्रिएट किया था, तो आपको सिर्फ इस ग्लास को सिलेक्ट करना है, मूव टूल लेना है एंड कंट्रोल की प्रेस करते हुए कॉपी करनी है एंड 2x एंटर करना है, सॉरी 3x एंटर करना है, तो आपकी तीन कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ आप विंडो क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा एंड अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।